हेलो गाइस, कैमरा टेस्टिंग हो रहा है, कैमरा चल रहा है। यो गाइस, हाय गाइस, वेलकम बैक। यस, तो आज हम आ गए हैं टिगर हिस्सा जो यो जोगिंदर को थारा भाई जोगिंदर को रोस्ट करा है उसके आज हम रिएक्ट करने वाले हैं। वो वीडियो लेकर आ गए आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। यस, तो क्या यो जो सॉरी थारा भाई जो जोगिंदर है वो जानबूझ के ना इन लोग को रोस्ट करता है कि उसको ज्यादा व्यूज मिले। हाँ। समझ रहे हो, कैरी मिनाटी समझ रहे हो और वो उनको रोस्ट करे इसके हाँ। लिए हाँ, क्योंकि उन लोग को रोस्ट करेंगे तो वो लोग सामने से रोस्ट करेंगे ही उनको। हाँ, उनका उनको तो व्यूज का मतलब होता है, व्यूज से मतलब है। और इनका नया इसने नया एक ट्रैक्टर नया डिस्ट्रैक्ट किया हुआ है तो उसमें इसने बहुत खतरनाक रोस्ट किया है। ऐसा पता नहीं, हमने देखा नहीं है लेकिन ऐसा सुना हुआ है कि ऐसा कुछ किया है इन लोगों ने। चलो गाइस, अब शुरू करते हैं वीडियो। क्यों इतना जल्दी शुरू करना है, तो कुछ मस्ती तो करो। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलो लेट्स स्टार्ट। थारा भाई जोगिंदर रोस्टेड मी, भवंडर डिस्ट्रिक्ट नाम है भाई, भवंडर भवंडर करके चला जाएगा भवंडर। लेट्स स्टार्ट। वीडियो की कहानी शुरू होती है आज से 2 महीने पहले सितंबर में। सोशल मीडिया पे कई प्रकार के नमूने आए, नाचने वाले, गाने वाले, बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले, लेकिन जो बहुत ज्यादा ज्ञान देने वाले लिमिट लगती थी ना वो सिर्फ एक वार्म अप था, क्योंकि असली नमूना, नमूनों का राजा, नमूना नंबर 1 तो अब आया है। देखो अच्छा था जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर। Don't tell me we are paying करने वाले। नहीं नहीं नहीं, ऐसे 3-4 बार मारो। छाती नहीं फोड़ी ना खुद की, नाम बदल दे रहा है। एक बार करने से क्या इनको समझ में नहीं आता क्या? यो जोगिंदर ओ भाई। कितनी 3-4 बार तो किया होगा। यार दुखता है भाई। मैं नहीं करूँगा भाई। ऑलरेडी 1 महीने के बाद आया हॉस्पिटल से। जो जोगिंदर थारा इन्होंने भी यही बोला। जो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर कर ले तू। इज वेयरिंग सेम टी-शर्ट लाइक एक बार में तो सेम जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर समझ आया ही नहीं। ब्लू एंड ब्लैक तेरी छपे जोगिंदर के डिजाइन चोरी की है। एसी ऑफ करके पसीने बहते हुए कैमरा के अंदर घुस के बड़ी-बड़ी आंखें करके थूकते हुए पवंडर आएगा पवंडर। सबको पता है कि ऐसी छपरी हरकतें यो जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर ही करता है, तो 3-3 बार ऐसे करके सबूत क्या दे रहा है, हम समझ गए थे एक बारी में भी। और ये इंट्रो गया था मैं सच बता रहा हूँ, मैंने गूगल पे सर्च करा मीनिंग ऑफ छपरी तो गूगल मुझे सामने से पूछती डिड यू मीन तारा भाई। कान खोल के बात सुन लियो, जिसने भी वीडियो बनाई है ना, जिसने मेरे को रोस्ट किया वीडियो डिलीट कर दियो। 15 तारीख तक का टाइम है तुम लोगों के पास, 15 नवंबर तक लोगों के पास। कान खोल के बात सुन लिया वरना भूचाल भूचाल आएगा भूचाल भूचाल जगह नहीं छोड़ूंगा यूट्यूब के अंदर। ओह शिट, 15 नवंबर को, अबे क्या होगा भाई, मैं तो अभी से कांप रहा हूँ 15 नवंबर को भूचाल। ओह माय गॉड, डर के मारे सुसु कर दिया है मैंने। ची 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 तो नहीं कर रही। मेरे को थोड़ा धमकी दे रहा है, किसी भी यूट्यूबर के ऐसे देखना नहीं चाहिए किसी को भी। ची ठीक है, छपरे यूट्यूबर कहा था ना बवंडर आएगा बवंडर। अरे वाह, ये बवंडर है जोगिंदर, तू तो बड़ा ही डेस्परेट टाइप का निकला, किसी की टॉयलेट वाली पाइप के नीचे जाके खड़ा हो गया, ऊपर से उतर है ये नीचे खड़ा बवंडर छपरी। ये बवंडर है। इसके बाद सितंबर का महीना खत्म हुआ, अक्टूबर आ गया, लेकिन ये बंदा अभी भी बवंडर ले आऊंगा ही कर ही जा रहा था। अरे बाप रे, अब ऐसे बिल्कुल सेम शक्ल होती है सुबह 6 बजे जब प्रेशर नहीं बन रहा होता। जोगिंदर देखियो कहीं सचमुच का हग मत दियो, मतलब वीडियोस में तो तू हग ही रहा था, वीडियो बनाने के चक्कर में सच में ना निकल जाए देख लियो भाई। वीडियो डिलीट चाहिए 15 नवंबर तक, कुछ भी करो कैसे भी करो 15 नवंबर तक यूट्यूब पे थारा भाई जोगिंदर के नाम से
कोई भी वीडियो नहीं मांगता थारा भाई जोगिंदर को। जोगिंदर तेरे स्टाइल में ही तेरे को रिप्लाई। मैंने पूछा तेरे को क्या मांगता है। तेरे को भी मांगता है कि YouTube, Instagram तेरे अकाउंट डिलीट कर दे, क्योंकि तू सारे आम धमकियां देता है कि तू घर में घुस जाएगा और हमें मार देगा, पिटाई कर देगा और पता नहीं क्या क्या कर देगा। बेटा कैरी मिनाटी और ट्रिगर इंसान, माँ की कसम खा रहा हूँ, पेल दूंगा क्या के अगली सीधी धमकी है भाई ये तो। रोस्ट मारना, अरे मेरा नाम ले मत लेना किसी वीडियो के अंदर, ना तो घर में घुसने के अंदर 5 मिनट लगेंगे। पर सबकी इच्छाएं पूरी नहीं होती ना जोगिंदर, तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तेरे को क्या मांगता है। तू 15 नवंबर को अपना बवासीर डिस्ट्रैक रिलीज कर, उसके बाद बवासीर अर्शकल्प करेगा ना, बिकॉज बवासीर एक आम समस्या है। इसके लिए वैद्य ऋषि का अर्शकल्प। माफ कीजिएगा, कभी कभी मेरे अंदर का जोगिंदर, यो जोगिंदर बाहर आ जाता है। क्या है भाई तुम लोग बोलो क्या? फ्लेक्स करेगा हेरी चेस्ट। क्या बोल रहा है थारा भाई जोगिंदर से? तुम्हारी औकात जोगिंदर के ऊपर रोष मारने की हिला दूंगा। आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि जोगिंदर इतनी अजीब अजीब सी क्रिंजी हरकतें क्यों करता है, तो इस सवाल का जवाब जानने के लिए वक्त में थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। आज से कुछ वर्ष पहले जब जोगिंदर एक छोटा बच्चा था। नमस्कार, इसके मम्मी पापा है निश्चय है। मम्मी थारा भाई, बहुत छोटा था जब। ये तो इसकी मम्मी पापा है। हाँ, और ये जो निश्चय के मम्मी है उनका भी खुद का एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, डेट इज डिम्पल्स किचन, वो भी आप लोग देख सकते हो। और इनके सिस्टर का भी है वेंडरर हब। सारी फैमिली यूट्यूब पे ही है मतलब। हाँ, सिर्फ इनके पापा बीच बीच में आते रहते हैं, वो भी बहुत कॉमेडी, इनके पापा भी बहुत ही कॉमेडी है। सो लेट्स सी अगेन। आप ये सफेद सारा भाई डॉक्टर जो दिमाग पर चोट लगने की वजह से होता है, यही कारण है कि उसकी मेंटल ग्रोथ नॉर्मल नहीं है। खुद 8 बरस का हो गया तो क्रिश का सीन है ना। हाँ। लेकिन उसका दिमाग क्रिश से कोई मिल गया। हाँ, मिल गया सॉरी। अब अफ्रेड जवान होने के बाद भी उसकी मानसिक उम्र कम ही रहेगी। ये जो छोटा था तब की एक्टिंग कर रहा है। ये बड़ा तो जरूर हो गया, लेकिन इसकी हरकतें ये कोई नहीं है। मैं बवंदल ले आऊंगा, बवंदल बवंदल ले आऊंगा, बाथरूम में इतना बवंदल लाऊंगा किसी ने सोची नहीं होती, किसी ने सोची नहीं होगी। तो 9 बजे से स्कूल भेजा और 10 बजे स्कूल वालों ने इसे घर वापस भेज दिया। हाथ जोड़ के वापस भेज। A for apple, B for ball, C for cat। ओए चपड़ी टीचर। चपड़ी टीचर। A for औकात, B for भवंडर। मुझे पता नहीं ये बोलेगा। C for चपड़ी। And D for C for चपड़ी। औकात क्या है चली? मेरे को कट डी फॉर डिंडोरा। छपड़ी बवंडर आएगा, बवंडर कान खोल के बात सुन लेना, 15 नवंबर को मैं बताऊंगा तुम लोगों को। जोगिंदर तुझसे आर्ग्यू करना मुझे अपनी खुद की तौहीन लगती है, क्योंकि तुझे बोलना ही नहीं आता है। तेरे शब्दकोश में सिर्फ 3 लेटर्स है, ए बी सी। ए फॉर औकात, बी फॉर बवंडर, सी फॉर छपरी। इसके आगे तू पढ़ ही नहीं पाया ना, तुझे वापस भेज दिया स्कूल वालों ने, कह रहा भाई तेरे से ना होगा, तुम जाओ वापस। तू ये देख रहा है, इसका नाम है हगिंदर। वैसे तो तेरा नाम भी हगिंदर है, क्योंकि अपने मुंह से, लेकिन ये तुझसे ज्यादा समझदार है। अगर मैं इसको यहाँ पे बिठा दूंगा ना और मैं इसको बोलूंगा ओए चुपचाप यहाँ पे बैठा रहे, तो समझदार है, ये यहाँ पे बैठ जाएगा, लेकिन तुझे अकल आती ही नहीं है। तू पहले अपनी वीडियोज में हगरा था, 15 नवंबर को तू अपने डिस्ट्रैक्ट में भी हगेगा। तारा भाई हगिंदर इतना हगेगा, इतना हगेगा ने सोची नहीं होगी। इसके बाद सभी लोग इंतजार करते रहे 15 नवंबर का, एंड 15 नवंबर आई और आके चली भी गई, पर बवंडर नहीं आया। फिर बाद में पता चला कि बवंडर जो है वो वेदर फोरकास्ट में दिक्कत होने की वजह से 5 दिन डिले हो गया, तो 20 नवंबर को फाइनली बवंडर आया। एंड जैसी उम्मीद थी कि ये हगेगा, बिल्कुल वैसे ही, आप भी देख लो। जोगिंदर तू इतना बड़ा अकल से पहंगा है ना कि तू कोई मौका नहीं छोड़ता है अपनी मूर्खता सिद्ध करने के लिए। एक बार ये वाला क्लिप देखो। This is bro, this is no. हम छपड़ी है। हम छपड़ी है। You're right.
राइट तुम्हें पता चल गया होगा रेफरेंस, मैं नहीं बोलूंगा वरना बवंडर आएगा बवंडर। ये मेरी वीडियो का क्लिप है जिसमें कैरी ने सिर्फ इतना बोला कि हम छपरी हैं, उस पे मैंने, मैं ट्रिगर्ड इंसान, मैंने वो मीम लगाया तेरे वाला, ओ छपरी यूट्यूबर वो बवंडर ले आऊंगा, वो मैंने मैंने मीम लगाया। कैरी ने कभी नहीं बोला कि बवंडर कमाएगा, मैंने बोला अपनी वीडियो में मैंने मीम लगाया, लेकिन तूने उसका नाम लिया। क्यों? क्योंकि तुझे पता है तू उसका नाम लेगा तो तुझको ज्यादा क्लाउट मिलेगा। अबे बोला था ना मैंने, का भी मतलब समझाना पड़ेगा क्योंकि तू तो 10 बजे तक स्कूल पहले से। क्लाउट का मतलब है पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी। तू तरस रहा है, तड़प रहा है, तू लोगों के डीएम में बोलता है कि तेरे को बिग बॉस में जाना है, इसलिए तू ये फालतू की कॉन्ट्रोवर्सी करता है। तेरे जैसे छपरी को बिग बॉस वाले नहीं लेने वाले, तू ये बात क्यों नहीं समझ रहा है? कोई स्टैंडर्ड नहीं है क्या अपने सेलमुन भाई का? तेरे औकात क्या है तुम्हारी? पूरा यूट्यूब शमशान बना दूंगा। यार तेरी बातें अच्छी नहीं है, तेरी हरकतें अच्छी नहीं है, तेरी शक्ल, चल शक्ल के बारे में तो मैं नहीं बोल रहा, इवन दो मेरी शक्ल के बारे में तूने काफी बकवास करी है, लेकिन मैं थोड़ी ना बोल रहा हूँ कि तू बच्चे खाने वाले राक्षस जैसा लगता है या फिर तू वो वैसी दरिंदा लगता है जिसको देख के लड़कियां डर जाए, स्पेशली वो जो छपरियों वाली लट तूने आगे रखी हुई है, एकदम अपरिचित मूवी का अंडरटेकर लगता है, इतनी भैड़ी शक्ल है तेरी, कुछ भी है। पर मैं बोल रहा हूँ क्या तेरी शक्ल के बारे में? मैंने नहीं बोला ना कि तू बहुत बदसूरत है। मैंने आप रोस्ट मत करना इसको भाई, अपने वो गालियां पड़ेगी, अपने पे आ गया था रोस्ट इसका, अपनी वाट लग गई। डरावना है तो है, उसमें कौन सा डर है हमें? अरे भाई वो बात नहीं है, गालियां सुननी पड़ेगी भाई खतरनाक वाली। जोगिंदर मेरे बारे में ऐसी ऐसी बातें बोल डाल कि मैं कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहूं, जोगिंदर मेरा ऐसा डिस कर दे कि मैं तबाह हो जाऊं, मैं फना हो जाऊं। एक बात बोलूं मैं, इससे अच्छी तो वो थी अपनी ढिंचक पूजा। हाँ वो पहले उनका भी नाम आया था ना, आया था क्या? इससे अच्छी थी यार, कई लोग आए, कोई गाना दे, अच्छा, अच्छा, आया था, कोई अपना ज्ञान बांट रहा था। अच्छा, हाँ, वो आया था लाइन। माय गॉड कितना सुरीला था। वो क्या था? ए ट्रिगर इंसान, तुझे मैं फोड़ूंगा, तेरी टांगे तोड़ूंगा, ये व्हाट इज दिस यार? एक राइम नहीं बनता, एक तो देखते आगे, और मजा आ रहा है मेरे को तो। माय गॉड मजा तो आ ही रहा है। माय गॉड खत्म खत्म, टाटा बाय बाय। एक पाव कापड़े इसके कापड़े डर गए। जोगिंदर ने मौत की धमकी दे दी, कह रहा गाड़ दूंगा फाड़ दूंगा, इसकी सेटिंग की कसम मुझको काट देगा। मैं गया, मैं खत्म। मम्मी पापा वापिस, मम्मी पापा चश्मा गिर गया उसका। मेरा बक्सा क्या है पापा? पापा बस टेंट कर, हैंडसम है तो। पापा जोगिंदर ने फाड़ दी, कॉमेडी भी अच्छी कर दिया, मेरे को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहा, मेरे को छुपा लो अपने पल्लू में छुपा। डोंट सेल देम बाय, मैं मर रहा हूँ। वाह देखता है क्या, हंसू आ गया, आ गया, आ गया, आ गया। पहला गाना था और आखिरी रहने दियो, इसके बाद कोशिश भी मत करियो संन्यास ले ले भाई प्लीज, क्योंकि तुझसे नहीं हो पाएगा। तूने 2 महीने पहले ये गाना अनाउंस किया था, सही बोल रहा हूँ, यानी कि 60 दिन 60 डेज थे तेरे पास ये गाना लिखने के लिए, तू कुछ भी लिख सकता था, लेकिन ऑल यू कुड थिंक ऑफ वॉज तेरी लाते में तोड़ूंगा, लाओ हथौड़ा, लाओ इसको फोड़ूंगा, मारूंगा, सिर्फ मारने की धमकियां हैं, दैट्स इट। इकलौती अच्छी चीज थी कि तूने वो मेरा जो फेस मास्क लगा रखा था, थैंक यू फॉर दैट, थोड़ा सा एफर्ट दिखा मेरे को तेरे गाने में, उसके अलावा कुछ नहीं था। सूर्यवंशी की वो स्टार्टिंग में जो वो ट्यून बजती है ट्रेलर में, टू वो वाली ट्यून लगाई, पवंडर ने ढक 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 90 beats per minute वाली बीट उठाई, उसके ऊपर जो तेरे मन में आया वो तूने रीड करा है। मैं तेरे को अगर लिरिक्स लिख के दूं कि भाई ये गाना गा दे, तो बंदा कोशिश करता है उसमें से थोड़े से मैं राइम बनाऊं, उसमें से कुछ गाने में रिदम बनाओ, तूने सिर्फ आपने बोला राइमिंग भी नहीं है। ट्रिगर्ड इंसान तेरी लाते में तोड़ूंगा सर, मैं फोड़ूंगा, थोड़ा लाओ मेरी सर्विस की कसम, मैं इसको ऐसे कर
तूने दो महीने में ये गाना लिखा है, मैं दो मिनट में इससे आधा अच्छा डिस्ट्रैक लिख दूं तेरे पे। यो यो जोगिंदर, थारा भाई जोगिंदर, मोर लाइक थारा भाई हगे, आज इतना हगेगा, इतना हगेगा, इतना हगेगा, इतना हगेगा, पूछो मत बस कितना हगेगा। यो हगता रहेगा, कल भी हगा था, आज भी हगेगा, आगे भी हगेगा। यो हगिंदर, थारा भाई हगिंदर, हग्गू मेरा नाम है, हगना मेरा नाम है। यो हगिंदर, थारा भाई हगिंदर, छाती पीट के बोलो, थारा बोलो हगिंदर, यो हगिंदर। अरे भाई सच में बना दिया, तो बहुत खतरनाक बना है भाई वो, उसका तो कुछ भी नहीं इसके साथ। तो ये सॉन्ग हिट हो जाना चाहिए उससे तो। वही इसका बदला चाहिए भाई, ये पूरा गाना बदला चाहिए इसका तो भाई। निश्चय भाई प्लीज, अगर आप देखोगे इनके हमारी वीडियो, हाँ इनके देखोगे तो प्लीज तो ये रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेना। हाँ, 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 पक्का प्लीज। मारो उस वक्त तुम लोगों को अपनी माँ बहन की याद नहीं आती। हगू भाई तुम बचपन में सही बल गिर गए थे तो इसलिए तुमको चीजें समझ नहीं आती है, पर मैं तुमको समझाता हूँ। देखो एक क्रिएटर गाली वाली वीडियोस बनाना चाहता है या गाली के बिना वीडियोस बनाना चाहता है वो उसकी मर्जी है, पर वो ऑडियंस को फोर्स थोड़ी ना कर रहा है अपनी वीडियोस देखने के लिए। ऑडियंस की मर्जी है कि वो गाली वाली वीडियोस देखना चाहती है या वो बिना गाली वाली वीडियोस देखना चाहती है। अब बात आई कि तू मेरे को बार बार क्यों बोल देता है कि मैं गाली वाली वीडियोस बनाता हूँ, तूने मेरी आज तक कोई वीडियो देखी नहीं है। मैं नहीं देता अपनी वीडियोस में गाली भाई, तू फिर भी बोलता रहता है ट्रिगर्ड इंसान, तू गाली देता नहीं देता है, गाली नहीं देता अब दे रहा है। अभी मैंने गाली थोड़ी ना दी है, अभी तो मैंने बोला जोगिंदर तेरा डिस्ट्रैक्ट बहुत अच्छा था, मजा आया सुन के, तालियां बजा, ताली बजा सच में। India's new T20 skipper is tactically shrewd, but his strengths lie in his man management skills, clear communication, shooting straight, grooming juniors, and utilizing his seniors. वो मेरे को लगा यहाँ पे recitation session चल रहा था, जोगिंदर भाई lyrics read कर रहे थे ना किताब से, तो मैंने सोचा मैं भी थोड़ी देर reading कर लेता हूँ, मेरी थोड़ी सी जीके बढ़ जाएगी। इसको कोई flow, rhythm, beat के बारे में कुछ बताओ भाई, reading session चल रहा है, तुम सारे उनके content को cringe बोलते हो, लेकिन वो अपने content से पूरे इंडिया को दिखा रहे हैं, वो बना रहे हैं। उनके पास तुम्हारे जितने पैसे नहीं है, इसलिए वो लोग short video बना के अपना talent पूरे भारत तक फैला रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं, तुम उनको cringe बोल रहे हो। और भाई जब तेरा हो जाए तो बताइए। But I am again making a roast video on you. तू YouTube से अब मेरा पूरा इतिहास मिटा दे। कैसे? तू मेरा चैनल डिलीट करेगा खुद से क्या, फिर YouTube के पास जाएगा? YouTube loves me a lot. I love YouTube. YouTube वालों इस वीडियो को करना, okay? But Joginder bhai, I must say that was an amazing diss track. I am dekh le, genuinely applauding your diss track. Mujhe itna maza aaya tera diss track sunke, main bahut hasa, main itni der tak hasta raha, and specially tune mujhe bhi is gaane mein include kara, thank you so much for that. And मैं तेरे पे और वीडियोस नहीं बनाना चाहता था, लेकिन अब तूने कुछ नया कंटेंट दिया तो कहा बवंडर और छपरी से हटके, तो मुझे लगा मेरे को वीडियो बनानी चाहिए। इसमें भी बवंडर था, कोशिश करूंगा कि इसके आगे मेरे को वीडियो ना बनानी पड़े। जोगिंदर भाई आपको भगवान तसल्ली दे, आप बिग बॉस तक जाओ, मैं ऐसी प्रार्थना करूंगा, आप खुश रहे, हमको भी खुश खुश रहने दे, एंड अब बस कर जाओ। जैसे ही जोगिंदर से पॉपुलैरिटी जाने लगेगी, ये फिर वापस आ जाएगा, किसी ना किसी का नाम लेके उसको रोस्ट करेगा, डिस करेगा, ताकि वो इसके बारे में बोले, ताकि इसको फिर से क्लाउट नाम है हगना मेरा बेस्ट है यार, छाती पीट के बोलो हगिंदर। Oh my God. भाई क्या खतरनाक रोस्ट है, अरे बहुत ज्यादा, मैं पहली बार रोस्ट वीडियो देखा है, पहली बार हमने रिएक्ट भी किया है रोस्ट वीडियो पे।
पहली बार और इतना मजा आया जिसकी कोई हद नहीं। निश्चय के वीडियो सब लोग मैं तो देखता रहता हूँ इनका आइडिया। मैं तो बहुत कम देखती हूँ वैसे। मुझे पता है कि वो किस लेवल पे करता, लेकिन ये जो लेवल था ना वो टॉप क्लास था भाई। मजा आ गया बहुत ज्यादा। जो गाना बनाया 2 मिनट के अंदर भाई, मैं तो अभी भी एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो रोहित वाला, मैं तो एक और बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज अगर हो सके तो इसका फुल ज्यादा बनाओ, थोड़ा 2 मिनट तक का बनाओ यार, इतना मजा आ गया ना। 2 मिनट से ज्यादा का बना है सॉन्ग। हाँ यार। और बताओ कैसा लगा आपको पहली बार? तो बड़ा मजा आया रोस्टिंग वीडियो देखकर। पहली इतनी अच्छी रोस्टिंग वीडियो देखी, खुद से गाना गाया उन्होंने, खुद से गाना बनाया, ऐसे तो कोई वीडियोस में नहीं देखने मिलता। और उसका गाना कैसा लगा? जोगिंदर असल जोगिंदर का बोला ना यार, स्पीचलेस। मेरे को सच में बताओ जोगिंदर से अच्छा तो मुझे वो दिनचक पूजा का गाना लगता था एक्चुअली। वो भले कुछ भी गाती है लेकिन एक्चुअली उसकी राइमिंग होती है, एक गाने के बाद स्टॉप होता है, कॉमा होता है, सब कुछ होता है इसका। ऐसे ही लग रहा था सच में वो, ऐसे ही कर रहे होंगे जोगिंदर थारा भाई जोगिंदर, बस ज्यादा मत करो छाती पीटे के हॉस्पिटल में। ओह माय गॉड। तो चलिए गाइस कैसी लगी हमारी रिएक्शन और ये वीडियो, और ओरिजिनल लिंक वीडियो की हम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, होता है यार इनके हमेशा लास्ट पे ऐसे ही होता है, पता नहीं क्यों वो हो जाता है। तो चलिए गाइस मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन दबाना मत भूलना। बाय बाय।